जी सर, गुड मॉर्निंग सर। सर सर मेरा 258 का भी टाटा पावर बाइक ये है सर। हाँ। तो उसको क्या करे, ये परेशान है। और मेरे पास टाटा मोटर भी है सर। परेशान क्यों हैं आप? मतलब परेशान नहीं, मतलब मार्केट गिरता है, चल नहीं रहा, चल नहीं रहा इसलिए। अरे तो आप टाटा मोटर तो मतलब जबरदस्त रैली पे। अच्छा दोनों पूछवा देते हैं। गावा सर बताइए, टाटा पावर इन्होंने 258 पे लिया है 100 शेयर, और टाटा मोटर्स भी है इनके पास। टाटा मोटर्स का क्या प्राइस है मत लीजिए? टाटा मोटर में मेरा प्राइस है सर एक 346 का और एक 436 का। ओके, 346 और 436। बताइए सर गावा सर, टाटा पावर और टाटा मोटर दोनों क्या करें? चलो पहले टाटा पावर की बात करता हूँ। इन्होंने शायद आज लिया है या कल लिया है। अब इनका ये है कि आज जब मैंने लिया तो मेरे लेने के बाद इमीडिएटली ऊपर जाना चाहिए, ऐसा कभी होता नहीं। स्टॉक ऊपर नीचे आते रहते हैं, स्ट्राइक प्राइस मूवमेंट होता रहता है। इन्होंने थोड़ी गलत जगह पे लिया, लेकिन नथिंग टू वरी। टाटा पावर होल्ड कीजिए, होल्ड भी कीजिए तो थोड़ा 6 months to 1 साल का वक्त दीजिए। इसमें अगर डिप्स मिलता है तो एक खरीदारी का मौका रहेगा। घबराइएगा मत, एक दिन में इतना घबराइए मत स्टॉक मार्केट में। रही बात टाटा मोटर्स की, यहाँ पर भी 500 के करीब तेजी है। यहाँ पर बादाम चल रही 500 की, कॉस्ट वैसे भी कम है। नथिंग टू वरी, अच्छा स्टॉक है। लॉन्ग टर्म के लिए दोनों ही स्टॉक अच्छे हैं। मैं तो ये अगर ये स्टॉक मेरे पास होता तो लोअर लेवल्स पर थोड़ा एड भी कर लेता। होल्ड कीजिए। ओके, दोनों में होल्ड करने की सलाह है।